अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन यस्टरडे वी वर एट पेज नंबर 63। हम पेज नंबर 63 पे थे एंड वी वर डूइंग खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता। हम पाकिस्तान की जो डिवीजन थी वो पढ़ रहे थे, मौसमों की पाकिस्तान का जो आबो हवा है उसकी डिवीजन पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे एरिड एंड सेमी एरिड माउंटेनियस रीजन। यहाँ पर हमारा पढ़ते हुए दरमियान में हमने ख़त्म किया था, तो मैं फटाफट इसको गो थ्रू करती हूँ कि खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता जो है उसमें पहले हम खुश्क पहाड़ी खत्ते का इलाका देख रहे थे। ये कौन सा इलाका होता है? ये इलाका जो है पाकिस्तान के जो वेस्टर्न माउंटेनियस रेंजेस होते हैं और जो सतह मुर्तफा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पोटोहार, ये वो इलाके हैं। और इस इलाकों में कबायली इलाका जात, ट्राइबल एरियाज जिन्हें कहते हैं, और केपीके के जनूब मगरबी इसलार, डेरा इस्माइल खान और बन्नू कड़क और कोहाट वगैरह जो हैं, और बलूचिस्तान में सवाए जनूबी साहिली इलाकों और मशरकी सिपी और जाफराबाद शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? यहाँ पर बहुत कम जंगलात हैं, सिर्फ कुछ फलों के बागात हैं, फलों के कुछ बाग जो हैं वो हैं, और महमूद बहुत थोड़े बहुत लिमिटेड पोर्शन के ऊपर फसलें जो हैं, क्रॉप्स जो हैं उनको काश्त किया जाता है। यहाँ की आबो हवा कैसी है, क्लाइमेट कैसा है? शदीद यहाँ पर जो है वो आबो हवा शदीद और खुश्क है, बहुत सिवियरिटी है मौसम की। मौसम बहुत गर्म होता है गर्मियों में और खुश्क होता है और गर्म रहता है, और अक्सर इलाके जो हैं उनमें मौसम गर्मा में औसतन दर्जा हरारत एवरेज टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और जो विंटर्स हैं यहाँ पर उसमें एवरेज टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री तक रहता है। और अक्सर जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेनियस सीजन हैं, उनमें बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है, और इस खत्ते में बारिश जो है वो मौसम सरमा में, सर्दियों में जो वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं, तूफान आते हैं जो उसकी वजह से होती है, और जो मानसून है उसमें बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा जो जंगलात हैं वो भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं, लेकिन इस इलाके में जो चरागाहें हैं वो ज्यादा होती हैं, जहाँ लोग अपनी भेड़ बकरियां जो हैं वो लेकर जाते हैं खाने के लिए। भेड़ बकरियों का जो फॉर्डर कंसिडर किया जाता है वो ग्रीनरी पेस्चर लैंड जो है वो यहाँ पर ज्यादा है। और इस पोर्शन में, इस खत्ते में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 12 इंच से कम है, 12 इंच से कम यहाँ पर बारिश जो है वो सालाना होती है, जो सालाना बारिश है वो 12 इंच से कम होती है। और आबादी, यहाँ की आबादी क्या है? यहाँ ये ज्यादा इलाका जो है वो गुंजान आबाद नहीं है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते। और जो यहाँ का दही आबादी है, जो यहाँ की देहात की आबादी है, वो शहरों की निस्बत ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग गांव में रहते हैं एज कम्पेयर टू सिटीज। और इस इलाके में अब औरतें काफी तादाद में मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, मर्दों के साथ औरतें भी काफी तादाद में काम करती हैं। और इस इलाके में जो शराय ख्वानदगी है, लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, वो बाकी खितों की निस्बत ज्यादा है, बाकी रीजन्स की निस्बत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं। और इस खित्ते के जो अहम शहर हैं, इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जो इस रीजन में फॉल करते हैं, जो इस रीजन में आते हैं, उनमें इस्लामाबाद है, मरी है, एबटाबाद, मानसेरा, सवात, हुंजा और गिलगित। ठीक है, ये सब एरियाज जो हैं ये इस रीजन में आते हैं। अब है नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता, सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन। इसके कौन से इलाके हैं? ये आम तौर पर जो कोहे नमक है, सॉल्ट रेंजेस हैं, काला चिट्टा पहाड़, सलेमान रेंजेस और कोहे कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले इस रेंज में आते हैं। ये इलाके इन
रीजन्स इसको मिलाकर बनते हैं। यहाँ की आबो हवा जो है, यहाँ पे जो समर्स हैं वो बहुत ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। जहाँ पर समर्स ज्यादा अरसे तक रहते हैं, यहाँ भी एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 12 से 15 इंच होती है। यहाँ की वेजिटेशन जो है ये वो कैसी है, ये रीजन जो है इसमें फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उगते हैं। फ्रूट्स के लिए ये रीजन जो है ये बहुत मशहूर है। उसके अलावा मकई, जवार, बाजरा, चना और मूंगफली यहाँ की अहम फसलें। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो आबादी है, इस रीजन की आबादी जो है वो कम है। यहाँ पर कम लोग जो है वो बसते हैं और जो देहात की आबादी है वो शहरी आबादी के कंपैरिजन में ज्यादा है। मीन्स के जो देहात के लोग हैं, लोग जो है वो देहात में ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू सिटीज। अब हमारा लास्ट जो रीजन है, जो हम हमारा लास्ट पांचवा जो खित्ता है जो हमने कुदरती खित्ते पढ़ रहे हैं, अब उसका जो पांचवा और आखिरी हिस्सा है वो है मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड माउंटेन रीजन। ह्यूमिड क्या होता है? मरतूब। मरतूब क्या होता है? जिसमें नमी ज्यादा होती है। जिस तरह बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो मौसम है वो गीला गीला अजीब सा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या हब्स हो जाता है बहुत ज्यादा। वो मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन। तो मरतूब पहाड़ी खित्ता जो है वो हम पहले देखेंगे उसके इलाके कौन से हैं। मरतूब पहाड़ी जो खित्ता है उसमें पंजाब का इलाका मरी और खैबर पख्तूनख्वा के जो केपीके के इलाके हैं, एबटाबाद, मानसेरा और हजारा वगैरह, वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जो हमारा मरतूब माउंटेनियस रीजन है, ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन है, उसमें मरी, केपीके के इलाके, एबटाबाद, मानसेरा और हजारा जो है वो शामिल है। नाउ टर्न योर पेज, मैं भी अपना पेज चेंज कर। ठीक है, अब है आबो हवा, यहाँ की क्लाइमेट कैसा है। इस रीजन में मौसम जो है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होता है और सर्दियां जो है उसमें शदीद ठंड पड़ती है और यहाँ पर एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा है। जो एवरेज रेनफॉल है वो 50 इंच से ज्यादा होती है, इतनी बारिश होती है। और जो गर्मियां हैं वो भी प्लेजेंट होती हैं, वहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और सर्दियों का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, सिफर दर्जे से भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। मीन्स सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। उसके बाद यहाँ की वेजिटेशन कैसी है, ये रीजन जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो हैं वो इस रीजन में उगे हुए हैं। ढका हुआ है ये पूरा एरिया, कवर्ड है दरख्तों से और इस इलाके में डिफरेंट तरह के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। उसके बाद यहाँ की आबादी कैसी है, ये रीजन जो है आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड है और इस रीजन में जो शहरी आबादी है उसकी अक्सरियत है। ज्यादातर लोग जो हैं वो सिटीज को बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो शहरों से उनका ताल्लुक है। और नीम मरतूब पहाड़ी इलाका कौन सा है, सेमी ह्यूमिड सब ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन के में कौन से इलाके आते हैं, इसमें कुहाट, कश्मीर, सवात और चित्राल वगैरह के इलाके हैं। यहाँ की आबो हवा कैसी है, इस रीजन में ज्यादा बारिश नहीं होती, यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 20 इंच से ज्यादा होती है। सर्दी गर्मियों में गर्मी
ज्यादा नहीं होती, मौसम प्लेजेंट होता है और सर्दियां जो है उसमें ठंड होती है। और जो यहाँ की नबातात है, नबातात वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन किस तरह की है, यहाँ किस तरह की चीजें उगती हैं, इस रीजन में आपको कई किस्म के दरख्त जो है वो मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज आपको मिलते हैं। और यहाँ पर महदूद पैमाने पर फसलों और फलों की पैदावार होती है, जो लिमिटेड रेशो है, लिमिटेड एरिए पर, लिमिटेड पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं और फल जो है वो पैदा किए जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड महदूद कुछ कुछ फल और कुछ कुछ फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। और आबादी यहाँ की कैसी है, ये रीजन जो है आबादी के लिहाज से ज्यादा गुंजान आबाद नहीं है, मीन्स कि कम लोग यहाँ रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल, हमारे मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और इनकी रेमेडीज क्या है, इनकी इनका इनका हल क्या है, और हमारे जो मेजर एनवायरमेंट्स हैं वो क्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं, माहौल जिसे हम कहते हैं, वो होता क्या है, माहौल है क्या। माहौल जो है वो अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन, माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका है जो इस जानदार की जिंदगी और इसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे। कोई भी जानदार शख्स जो है, जो इंसान है या जो जानवर है, जो भी जानदार है, वो उसके जो सराउंडिंग में इर्द गिर्द का जो का वो इलाका जिसमें वो रहता है और इस जानदार की जो जिंदगी है, उस इंसान की या किसी और जानदार की जो जिंदगी है, उसकी एक्टिविटीज को वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करे। मसलन बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो आप बाहर धूप में खड़े होकर काम नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप बाहर शदीद धूप में या शदीद गर्मी में खड़े होकर काम कर पाओ। या अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप 10-15 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे बहुत ज्यादा शदीद सर्दी में बाहर नहीं खड़े हो पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल कवरेज के साथ आप कोशिश करो कि आप ज्यादा देर सर्दी में खड़े हो जाओ, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल था उसने हमें इफेक्ट किया, तो यही हमारा माहौल कहलाता है। अब वो कहता है माहौल जिसमें तबई खदोखाल, आबो हवा, मट्टी और कुदरती नबादात शामिल है। अब वो कहता है हमारा एनवायरमेंट जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कि वहां का फिजिकल फीचर क्या है, वहां की तबई खदोखाल क्या है, वो फिजिकली वो इलाका कैसा है, क्या वो पहाड़ी इलाका है, क्या वो मैदानी इलाका है, क्या वो कोस्टल एरिया है, किस एरिया में आप रह रहे हो, वहां का क्लाइमेट कैसा है, आबो हवा कैसी है, क्या वहां बहुत सर्दी पड़ती है, क्या वहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां का आबो हवा कैसा है, वहां की मट्टी और कुदरती नबातात वगैरह उस कैसी है, क्या कैसी मट्टी है, क्या उस मट्टी में अच्छी फसलें उगती हैं, क्या वो मट्टी पथरीली है उसमें कुछ नहीं उगता, क्या वो मट्टी जरखेज है जहां आप रहते हो, तो और उधर की कुदरती नबातात क्या है, जो नेचर चीजें उगा रही है आपके लिए, जो नेचर फितरत आपके लिए चीजें प्रोड्यूस कर रही है, वो वहां किस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। तो माहौल जो है उसमें ये चीजें शामिल हैं कि वहां का फिजिकल फीचर कैसा है, मौसम कैसा है, मिट्टी और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उस पर वो कैसी है, और वो भी इसमें शामिल है। अब इंसानी जिंदगी जो है, इंसान की जो लाइफ है, उसके ऊपर इन सब चीजों का बहुत गहरा असर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि
हम मौसम जो है खास तौर पर उसका भी हमारी मिजाज के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर बहुत असर होता है। हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है मौसम के साथ। हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल और होगा, हम मैदानी इलाके में रहते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल और होगा। तो हमारा पूरे का पूरा आबोहवा, मौसम, हमारी वेजिटेशन, हमारा खाना पीना, सब कुछ माहौल जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से बदल जाता है। और इसका इंसान की लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। और इंसान की वो तमाम एक्टिविटीज जो वो किसी भी एरिया में करता है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, वो कमाता किस तरह है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, वो किस तरह मुल्क की सियासत में काम करता है, वो सोसाइटी को किस तरह डील करता है, वो अपनी रिलीजियस सेरेमनीज को किस तरह अटेंड करता है, रिलीजियसली किस तरह बिहेव करता है, वो इकतसादी हो या मुआशरती हो, मतलब फाइनेंशियली फाइनेंशियल हो या सोशल हो, और कुदरती माहौल जो है इंसान की इन तमाम एक्टिविटीज पर अपना बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है। बेटा टर्न योर पेज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टर्न माई पेज। ठीक है, माहौल उस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। और हमारा जो माहौलियाती मसाइल्स हैं वो क्या हैं, हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं, हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट के नामवाफिक और अनअप्रोप्रिएट होने की वजह से, गैर मौजूद होने की वजह से पैदा होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो है, अगर उसको गंदा होगा, वो साफ नहीं होगा, तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं उसकी वजह से हमें फेस करने पड़ेंगे, जिससे ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि आपके आपकी हैवानी नबाताती और आप भी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचता है। और अगर हमारा एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो उससे सिर्फ इंसानों को ही इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इंसान ही इफेक्ट नहीं होते, बल्कि उससे जानवर भी इफेक्ट होते हैं, उससे आपकी वेजिटेशन भी इफेक्ट होती है, और उससे आपकी जो पानी की जिंदगी है, जो आपकी पानी के अंदर लाइफ है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और इंसानी जो जिंदगी है उसकी इब्तिदा में जब वो शुरू हुई थी, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस थे और जो इंसान की जरूरियात थी कि उसे क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी जरूरियात क्या है, वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी उसकी जरूरियात। इंसान की नीड्स जो थी वो कम थी, इंसान को कम चीजें चाहिए होती थी, इंसान कम चीजों में अपना काम जो था वो कर लेता था। लेकिन जो जो इंसान प्रोग्रेस करता गया, इंसान तरक्की करता गया, तो इसकी नीड जो थी वो भी ज्यादा होती गई, और उन बढ़ती हुई इंक्रीजिंग जो नीड्स थी उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, हवा, पानी, ये सब, वेजिटेशन, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो था वो इंसानों ने शुरू कर दिया। इंसानों ने बहुत ज्यादा नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड चीजें थी उनको यूज करना शुरू कर दिया, और इस बेदरेक इस्तेमाल से, बेदरेक इस्तेमाल होता है जो बेखौफो खतर किया जाए, ये सोचे समझे बगैर कि कल क्या होगा। मेरे पास अगर 50 रुपए हैं और मैंने वो 5 दिन खर्च करने हैं, तो मैं अगर एक ही दिन वो 50 रुपए खर्च कर दूंगी तो मैं बगैर सोचे समझे बेदरेक इस्तेमाल कर दूंगी, लेकिन अगर मैं सोच समझ के करूंगी तो मैं वो 5 दिन चला लूंगी। तो इंसान ने जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उनको बगैर सोचे समझे बेदरेक होकर इस्तेमाल किया, और उससे ये रिसोर्सेस जो थे वो तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए, बल्कि
इनके यूजेज से हमारा जो एनवायरनमेंट था उसको भी हमने नुकसान पहुंचाया, उसको भी इफेक्ट किया। और टेक्नोलॉजी का जो ये दौर है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल पीरियड है, इसके नतीजे में कई जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें शुरू हो गए हैं। अब हमारा पोल्यूशन से भरा एनवायरमेंट जो है उसने हमें बहुत सी बीमारियां जो है वो गिफ्ट की हैं, बहुत सी बीमारियां हमें दी हैं। गंदा पानी जो है उसने हमें बहुत से मसाइल से, अब हम पानी खरीद के पीते हैं। कभी जिंदगी में आज से 50 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हमें पानी खरीद के पीना है, ठीक है, लेकिन अब लोग पानी जो है वो परचेज करते हैं, मिनरल वाटर, और फिर वो पीते हैं। अब पानी सपोज नहीं किया जाता कि आप टैप ऑन करो और उसको पानी को फिल्टर किए बगैर पी लो। तो हमारी नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं उनको हमने इस्तेमाल से खराब कर लिया, गंदा कर लिया, ठीक है। और बहुत से प्रॉब्लम्स जो है इंसानों के लिए अब वो पैदा हो गए हैं। और पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में हम देखें तो हमें जिन आज इस दौर में हमें जिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है उनमें से कुछ जो है वो बहुत कॉमन है और रोजमर्रा जिंदगी में भी आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा और सुना और देखा होगा, ठीक है। सबसे पहली जो हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है दैट इज आलूदगी, पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, गंदगी जो हमारी एनवायरमेंट को गंदा कर रही है, वो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है कि हमें पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और पॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा आज का जिसे हम डेवलप्ड जो साइंटिफिक एज कहते हैं, साइंसी तरक्की कहते हैं, जहां इंसान ने बहुत ज्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, उस तरक्की से इंसान को बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो मिल गई हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ये साइंस इंसान को। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे हमारे पास पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इन तमाम एलिमेंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसने हमारी जिंदगी को इफेक्ट किया है वो पॉल्यूशन है। जाहिर है सांस तो हर इंसान ने लेना है, तो हर इंसान जब सांस लेगा और उसके साथ उसके अंदर जो है वो इफेक्टेड इन्फेक्टेड एयर जाएगी तो वो उससे इफेक्ट होगा। और किसी ऐसी चीज का माहौल में शामिल हो जाना, एनवायरनमेंट में किसी भी ऐसी एलिमेंट का मिल जाना जो ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरनाक है बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसान है, जिस तरह आपकी पानी की जिंदगी जो है, मछलियां वगैरह जो है, आपके खुश्की के जिंदगी जो है जिसमें आपके जानवर हैं, उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और इसे ही हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, जो माहौल में एलिमेंट्स गलत शामिल हो जाते हैं, डेंजरस शामिल हो जाते हैं, और जिससे इंसानों को, जानवरों को, आबी जिंदगी को, सबको नुकसान पहुंचता है, वो हमारी माहौलियाती आलूदगी जो है वो कहलाती है, ठीक है। अब जो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी तीन तरह का है, ठीक है, थ्री काइंड्स हैं हमारी। ये भी ये क्वेश्चन काफी आता है शॉर्ट आंसर्स में कि माहौलियाती आलूदगी जो है उसकी कितनी अकसाम है, ठीक है। तो हवाई आलूदगी है, जमीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। हवाई जो हवा में है, जो एयर पॉल्यूशन है, जो आप सांस लेते हो तो आप इनहेल कर रहे हो, अपने अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो हवाई आलूदगी से मुराद हवा में नुकसानदेह गैसों की मकदार में इजाफा है। हवा में जो गैसेस हैं वो उन नुकसानदेह गैसेस जो इंसान के लिए हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड वगैरह, वो इंसान जब अंदर लेके जाता है तो वो इंसान के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। और फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं वो भी नुकसानदेह गैसों में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, हमारा जो कुदरती माहौल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। मसलन
कौन सी जो है वो गैसों से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। मसलन हमारी जो ओजोन की तह है वो खत्म होना होना उसमें शामिल है, और जो जमीनी दर्जा हरारत है उसका बढ़ना जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर जो है ये एक बहुत थिन पार्ट होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, जो हमारी हम जमीन के ऊपर एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो उसमें एक लेयर जो है वो ओजोन लेयर कहलाती है, जो एक थिन लेयर है, एक पतला सा लेयर है। और ये क्या चीज ऑब्जर्व एब्जॉर्व करता है? ये जज़ब करता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट, जो सूरज की नुकसानदेह यूवी रोशनी होती है, यूवी रेज होती हैं, उनको एब्जॉर्व करता है और हमें उनसे बचाता है। तो इन जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये इन इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। और हमारा जो जमीन का अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा रहा है, वो बढ़ रहा है, और हमारा जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ डेंजरस जो हमारी डिजीजेस हैं उनका भी सबब बन रहा है, उनका भी रीजन बन रहा है, मसलन फेफड़ों का सरतान और मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां वगैरह, कि हमारे जो फेफड़े हैं उस उनका कैंसर और डिफरेंट किस्म की जो स्किन डिजीजेस हैं उनका भी ये मोजिब बन रहा है। इनकी इन गैसेस की वजह से हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो भी हो रही है। नाउ टर्न योर पेज बेटा, बेटा मैं भी अपना पेज टर्न। नाउ हवा की जो आलूदगी होती है, जो हमारी एयर पॉल्यूशन है, उसको कम करने के लिए हम ये नहीं कहते कि आप इंसान की जो तरक्की है उसको रोक दें, इंसान अपनी जो डेवलपमेंट है उसको स्टैटिक कर दे, इंसान का जो ग्रोथ है वो स्टैटिक हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिनके रिजल्ट में, जिनके लेने से हमारी जो जहरीली और नुकसानदेह गैसेस हैं उनका जो इखराज है, उनका डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाए, हम उसको कम रिलीज करें। मसलन हम गाड़ियों के लिए ऐसी एनर्जी को इस्तेमाल करें जो पॉल्यूशन ना फैलाए, मसलन हम CNG का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमें एक और काम करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो हैं वो लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। और इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में हमें क्या काम करना है? हमें कारखानों और फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने हैं, जो के उन गैसेस को और उन धुओं को जो के फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलते हैं उनको फिल्टर कर सकें। जिस तरह हम पानी फिल्टर करके पीते हैं ना, उसकी गंदी चीजें पीछे रह जाती हैं और हम तक साफ चीजें आती हैं, उसी तरह जब फैक्ट्रियां और कारखाने जो हैं वो अपना स्मोक और अपना डस्ट और अपना गंदी गैसेस को डिस्चार्ज करें, तो फिल्ट्रेशन प्लांट हो जो उसमें से डेंजरस केमिकल्स जो हैं उनको पीछे रोक ले और साफ हवा को, साफ गैस को बाहर फेंके, ठीक है। और इसके अलावा ऐसी गैसों के इस्तेमाल के ऊपर हमें पाबंदी लगा देनी चाहिए जो माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, जो हमारी एनवायरमेंट को मुस्तकिल डैमेज कॉज कर रही है, उनके ऊपर हमें बैन कर देना चाहिए उन गैसेस को। और मसलन वो कौन सी गैसेस हैं जिसमें क्लोरोकार्बन गैस है, जिसे हम CFC क्लोरोफ्लोरो गैस है, जिसे हम CFC गैस बोलते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो हमें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे
एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब ये इन्फो इन्फो पढ़ें, क्या आप जानते हैं, आपको पता है कि स्मोक, जो आपको पता है ना कि अक्सर जब आप स्कूल आते हो तो आपका बड़ा क्लाउडी सा एनवायरनमेंट होता है और आपकी आंखों को इरिटेट कर रहा होता है, वो इनफैक्ट बादल नहीं होते बल्कि हम उसे स्मोक कहते हैं। तो स्मोक जो है वो भी पॉल्यूशन की एक काइंड है, पॉल्यूशन की एक किस्म है, जो कि किससे मिलके बनती है, धुएं और धुंध से। स्मोक, स्मोक धुआं और फॉग धुंध, ये जब मिल जाती हैं आपस में तो इसका जो कम्बिनेशन होता है वो स्मोक कहलाता है। और ये इंसानों में आंखों, फेफड़ों और स्किन की जो डिजीजेस हैं वो पैदा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आबी आलूदगी। आबी आलूदगी क्या है? पानी की आलूदगी, जो पानी को हम गंदा कर रहे हैं। और जब हम पानी को गंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पानी में रहने वाली जितनी भी जानदार हैं चीजें, जिस तरह मछलियां और ये सब, वो हम खराब कर रहे हैं। तो आबी आलूदगी से मुराद पानी में मुख्तलिफ जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको जब वो इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो पानी आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, जब हमारे केमिकल्स जो हैं वो पानी में मिल जाते हैं तो फैक्ट्रियों से जो डिस्चार्ज होने वाला पानी है वो जब इस साफ पानी में आके मिलता है तो उसके बेशुमार डेंजरस इफेक्ट्स जो है, नुकसान जो है, हार्म्स जो है वो होते हैं। और उसका हार्म क्या है कि फैक्ट्रियों से जो आया हुआ पानी गंदा होता है उसमें बहुत सारे केमिकल मैटर्स, मटेरियल्स जो है वो शामिल होते हैं, बहुत सारे कीमियाई मादे शामिल होते हैं जो कि हमारे रिवर्स में, कैनाल्स में और समंदर का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पानी जो है वो दरियाओं और समुद्रों तक जाना होता है। और इसके अलावा जो जेरे जमीन पानी है, जो जमीन के नीचे पानी है, उसमें भी पानी में भी मुख्तलिफ किस्म की कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादों के इस्तेमाल से वो आलूदा हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जो ना सिर्फ हमारे इंसानों के लिए डेंजरस है, खतरनाक है, बल्कि हमारी वेजिटेशन, जो हमारी चीजें उगती हैं के लिए भी खतरनाक है। जाहिर है उन तक भी वो पानी पहुंचता है और हमारी जो वाटर लाइफ है उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है, हमारी जो आबी जिंदगी है उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो पानी की जो पॉल्यूशन है उससे बचने के लिए हमारी जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो होने वाला जो पानी है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें फिल्टरेशन प्लांट्स लगाकर पानी को साफ करना चाहिए। फिल्टरेशन प्लांट्स के जरिए हमें फैक्ट्रियों से जो निकला हुआ पानी होता है एक्स्ट्रा गंदा, उसको साफ करना चाहिए। और उस साफ करने के बाद, फिल्टर करने के बाद हमें इसे दरियाओं या नहरों में डालना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जमीनी आलूदगी। अब जमीनी आलूदगी क्या है? हमारा जमीन की पॉल्यूशन, जो हमारी जमीन को गंदा कर रही है। तो जमीनी आलूदगी को हम किसको कहते हैं? जिसमें हमारा घरेलू जो गार्बेज है, घर का जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, और जो फैक्ट्रियों और हस्पतालों के पॉइजनस मटीरियल्स होते हैं उसका फैल जाना जो है जमीन पर, वो हमारी जमीनी आलूदगी है, जिससे ना सिर्फ जमीन की खूबसूरती को नुकसान पहुंचता है, ना कि हमारी जमीन बदशक्ल होती है, बल्कि हमारे माहौल जो है उसको भी ये पॉल्यूशन जो है, लैंड पॉल्यूशन जो है, ये उसको खराब करती है। ठीक है, उसको भी खराब करती है, एनवायरनमेंट को भी और जमीन को भी गंदा, गंदी शक्ल का कर देती है। तो जमीनी आलूदगी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों से खत्म किया जा सकता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती है कि जो कलेक्ट करना, कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, जो कि हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, उसको इकट्ठा करना, उसको ट्रीटमेंट करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना, खत्म करना, जो कि डिस्कार्ड किया जाता है, क्योंकि उससे वो हमारे लिए
अब यूजफुल नहीं होता, इसलिए हमें उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसके डिफरेंट तरीकों से हम अपने वेस्ट को खत्म कर सकते हैं और हम अपनी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन हमारे जो जहरीले मवाद हैं उसको किसी भी जगह दबा दिया जाए, जो हमारा पॉइजनस मटेरियल है, खास करके जो हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी फैक्ट्रियों का जो गंद है, जहरीला जो हमारा मवाद है, और फिर स्पेशली हॉस्पिटल्स का, तो उसको किसी खास जगह पर दबा देना चाहिए, मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, या फिर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर जला देना चाहिए ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे, और बाकी जो मवाद है, बाकी जो मटेरियल है उसको रिसाइकल, जो कि ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए, उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लेना चाहिए ताकि वो हमारे लिए जहमत ना बने बल्कि हमारे दोबारा इस्तेमाल में आ जाए। और इसके अलावा हमारा जो कूड़ा करकट है, हमारा जो गार्बेज है, उसको जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, देसी खाद है, वो बनाने के लिए भी उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब हमारी देसी खाद क्या होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा, हम अब किचन में काम करते हैं तो हमारे किचन में जो हमारा किचन का वेस्ट है उसको हम बहुत आराम से हम संभाल सकते हैं और उसको हम बाद में गार्बेज की जो फर्टिलाइजर है उसकी फॉर्म में उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये जमीनी आलूदगी थी। अब हमने पॉल्यूशन में तीन चीजें पढ़ ली हैं कि हमारी हवा की एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक जो है ये कवर हो गया। अब हमने नेक्स्ट पेज पढ़ना है, बल्कि आई थिंक इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो के है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।